बरेली में मंगलवार को कांग्रेस ने एक मैराथन का आयोजन कराया था। इस कार्यक्रम में मची छात्राओं की भगदड़ में कई छात्राएं घायल हो गई थी और जब अब नया विवाद सामने आया है, मैराथन की विजेता छात्रा को जो इनाम में स्कूटी मिली है वो कई जगह से टूटी हुई है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले दौड़ते वक्त मची भगदड़, कई छात्राएं हुई घायल। और अब विजेता से कांग्रेस का मजा। जी हाँ, ये जो स्कूटी आप देख रहे हैं ये कांग्रेस ने दी है अपनी उस विजेता छात्रा को जिसने मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान के तहत मैराथन में दौड़ लगाकर जीती है। लेकिन कांग्रेस ने इस छात्रा के साथ जो मजाक किया है उसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। देखिए स्कूटी की हालत क्या है। सर इसमें सर ये मतलब टूटा हुआ था, इसमें वेल्डिंग वगैरह करी हुई थी, इसके मतलब सारा इसमें लॉक भी नहीं लग सकता, लॉक नहीं लग पा रहा है, इतना लगता है मतलब लग नहीं पा रहा ढंग से, ये इधर से मतलब इसमें ये भी नहीं है, ये कुछ अभी इसमें है नहीं, हेलमेट वगैरह मतलब कागज़ वगैरह सारे कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ से इसमें मतलब टूटा हुआ तो पहले से था पर इसमें वेल्डिंग करा के थोड़ा जोड़ दिया था, फिर वो अपने आप उससे चिपका दिया है, मतलब इधर ये इससे पोस्टर से चिपका रखा है। मैराथन की विजेता छात्रा का कहना है कि ये वीडियो उसने खुद बनाया है और अब कांग्रेस के नेताओं के स्कूटी बदलने के लिए फोन आ रहे हैं। गाड़ी में मतलब फूट कोई नहीं, बस थोड़ी सी स्क्रेच आ गई है। कल मेरे पास फोन आया था एक, तो मतलब वो बोल रहे थे कि हम उससे हैं कांग्रेस पार्टी से, तो मैं बोल रहे थे बता दूं आपको ये मतलब गाड़ी के थोड़ा वो कराएंगे, अगर टूट होगी तो संभलवाएंगे या दूसरे भी बैंक, मतलब ऐसे करके बोला था। तो मैंने कहा ठीक है सर, फिर मैंने ऐसे फ़ोन पे बोला तो बोले नहीं वीडियो बना के भेजिए आप, तो मैंने वीडियो बना के भेजी। वहीं टूटी स्कूटी के अलावा मंगलवार को मैराथन में दौड़ लगाने के दौरान जो हादसा हुआ उसने भी कांग्रेस के आयोजकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अब प्रशासन ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा इसमें एक तहरीर थाने पर भेज दी गई है जिसमें कि धारा 188, 269, 270 IPC और 3 महामारी अधिनियम के अंतर्गत थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। ये जो मुकदमा है ये जो उनके ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अशफाक सकलैनी हैं उनके ऊपर दर्ज किया गया है। फिलहाल इन दोनों ही मामलों में कांग्रेस की सोशल मीडिया पर जमकर फजीहत हो रही है और लोग कमेंट्स करके खूब चुटकी ले रहे हैं। बरेली से मनोज कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।